अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ए एच की पैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यू मोबाइल SP5000 का पासवर्ड किस तरह अनलॉक किया जाता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मोबाइल मैंने ऑन किया है तो इसके ऊपर कोड आ गया है। तो ये सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, कोई भी MTK का मोबाइल आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको MTK के USB ड्राइवर जो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, और दूसरा अनलॉकिंग का टूल जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने ये दोनों डाउनलोड कर लेने हैं और इंस्टॉल कर लेने हैं। USB ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तभी आपका काम होगा। ये है वो टूल जिसके ज़रिए आपने अनलॉकिंग करनी है। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करनी है तो तीन ऑप्शन आएंगे। आपने रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट के ऊपर चेक लगा के ओके कर देना है। उसके बाद आपने मोबाइल कनेक्ट करना है। मोबाइल किस तरह करना है कनेक्ट, आपने सबसे पहले मोबाइल को पावर ऑफ कर लेना है या अपने मोबाइल से बैटरी निकाल के दोबारा डाल लेनी है। इसकी बूट की कोई नहीं होती तो जस्ट आपने इसमें USB प्लग इन कर देनी है। जैसे ही आप डाटा केबल USB प्लग इन करते जाएंगे तो उसके बाद टूल खुद ब खुद एक ग्रीन सर्कल थोड़ी देर में दे जाएगा, तकरीबन 3 से 4 सेकंड में। तो ये आप देख सकते हैं, ग्रीन सर्कल आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मोबाइल अनलॉक हो चुका है। तो मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ, यानी कि USB प्लग आउट करके मोबाइल को बैटरी निकालनी पड़ेगी तभी ऑन होगा। मोबाइल से बैटरी निकाल के फिर डाल के तो हमने मोबाइल को ऑन कर लेना है। तो पहले आपको दोस्तों यहाँ पे कोड एक नज़र आ रहा था कि हमसे मोबाइल कह रहा था कि कोई कोड लगाएं, तो जो कि हमें मालूम नहीं था। और अब ये मुकम्मल तौर पर मोबाइल ऑन हो चुका है और इसका कोड जो है वो भी डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।